कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार मंगलवार रात अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी बीच इंदौर से लोकसभा के लिए सबसे मजबूत दावेदार कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि इंदौर की जनता, कार्यकर्ता और देश भर के शुभचिंतकों की इच्छा है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं, पर मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं भारत के लिए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं पश्चिम बंगाल में मेहनत कर रहा हूं। अतः मैंने इसलिए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। आशा है कि आप भी देश हित और पार्टी हित में लिए गए मेरे निर्णय से सहमत होंगे और पार्टी जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे। मेरा न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश के मतदाताओं से विनती है कि एनडीए जैसी मजबूत सरकार एवं नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के लिए मतदान करें। बता दें कि पार्टी के 75 वर्ष के फार्मूले के बाद 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन एक चिट्ठी लिखकर अपने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया था। इसके बाद उनके बेटे को उम्मीदवार बनाने के लिए मराठी समाज ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं कई और नाम भी इस रेस में चल रहे थे। इसमें शहर की महापौर मालिनी गोड़, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, गोपी नेमा के अलावा कैलाश विजयवर्गीय के नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने आज ट्वीट करके चुनाव न लड़ने की बात कहकर फिर से पेच फंसा दिया है। ऐसे में अब पार्टी किसे टिकट देती है ये देखने वाली बात होगी।